हेलो स्टूडेंट्स, सृजन बुक का विभाग चैप्टर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट तुलसीदास। तुलसीदास जी का जीवन परिचय आप स्वयं रीड करेंगे और ये जो मेन मेन सेंटेंस है इन पर अंडरलाइन करी हुई है, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। अब तुलसीदास जी के दोहों की भाषा ब्रज भाषा है, उनकी शैली उपदेशात्मक और व्यंग्यात्मक है और उनके दोहों में तत्सम तद्भव शब्दों का मेल हुआ है और इनके दोहे अनुप्रास अलंकार से सुशोभित हुए हैं। तो इनका जीवन परिचय आपको स्वयं को तैयार करना है। जीवन परिचय में जो हार्ड वर्ड है जैसे समन्वय, समन्वय का मतलब होता है तालमेल, और अप्रासंगिक, अप्रासंगिक का अर्थ होता है महत्वहीन। अब हम इन दोहों का जो संक्षेप है, जो सार है पाठ परिचय, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधादि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। तुलसीदास जी का कहना है कि मनुष्य को काम क्रोध जैसे आदि बुरे गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में ही है, मतलब दूसरों के हित में ही मनुष्य जीवन सार्थक है। मनुष्य अच्छी संगति में रहेगा तो अच्छा बनेगा और बुरी संगति में रहेगा तो वह बुरा बन जाता है। मनुष्य को सबसे हिलमिलकर रहना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। अगर परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं हो तो वहां पर हमें चुप रहना ही हमारा श्रेष्ठ है। बुरे समय में धीरज धर्म विवेक साहित्य यानी साहित यानी दूसरों का हित साहस सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। तो उनके इन सभी दोहों में इन सभी उपदेशों का वर्णन किया गया है। अब देखिए तुलसीदास जी का पहला दोहा और इनका संदर्भ सबका एक समान ही होगा। तो सबसे पहले इनका संदर्भ देख लीजिए। प्रस्तुत दोहा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित दोहावली से संकलित। अब देखिए, काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप ते किमी जानहि रघुपति मूढ़ भरे भवकूप। काम क्रोध मद, मद यने अहंकार, रत यने डूबे रहना यानी उसमें लीन रहना, मूढ़ मूर्ख, भवकूप यानी संसार रूपी कुआ, यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि संसार रूपी कुआ बताया। और इसका प्रसंग मतलब इस दोहे में काम क्रोध जैसे दुर्गुणों से दूर रहने का उपदेश दिया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो लोग काम क्रोध अहंकार लोभ ऐसे बुरे गुणों में डूबे रहते हैं और गृहासक्त यानी घर परिवार के सुख में ही लीन रहते हैं, वे हमेशा दुखी जीवन भोगते हैं। तो ऐसे मूर्ख लोग संसार रूपी कुएं में पड़कर प्रभु की भक्ति महिमा से दूर हो जाते हैं, अपरिचित हो जाते हैं, उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि हमें काम क्रोध जैसे दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए और इसमें माया जाल में फंसकर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।